दोस्तों, हमारी दुनिया कई तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है। हर दिन हमें कुछ नए नए रहस्य देखने और सुनने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नंबर एक पर है विगलून। दोस्तों, एरोप्लेन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ख्याल आता है कि एरोप्लेन आकाश में किसी पक्षी की तरह उड़ने वाला वाहन है। लेकिन सोवियत रूस में MD-160 नाम का एक लून क्लास प्लेन बनाया गया। ये दुनिया का सबसे विचित्र एयरक्राफ्ट है, जो पानी की सतह पर चलने वाली जहाज है। इसे एरोप्लेन की तरह डिजाइन किया गया है। इसके दोनों पंखों पर एक लिफ्ट लगाया गया है, जिसकी मदद से ये पानी की सतह में लगभग 4 मीटर ऊपर होकर पानी में तैरता है। ये रूस का मिसाइल कैरियर प्लेन है, जिसे 1986 में बनाया गया था, लेकिन आज तक इसका उपयोग किसी ने नहीं किया, जिसके कारण आज ये रूस में समुद्री किनारे एक कबाड़ की तरह रखा हुआ है, जो पर्यटकों के लिए किसी म्यूजियम की तरह है। दूसरे नंबर पर है स्केलेटन। वैसे तो समुद्र के किनारे हमें कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, लेकिन फ्रांस में लायर नदी के किनारे एक बड़ा सांप का ढांचा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या सच में इतने बड़े सांप का ढांचा समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये किसी असली सांप का ढांचा नहीं, बल्कि एक कृत्रिम स्केलेटन है, जिसे हुआंग योंग पिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसे पूरी तरह एल्युमिनियम से बनाया गया है, जो लंबाई में लगभग 425 फीट लंबा और घुमावदार है। आज के समय में ये फ्रांस का प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां हजारों लोग यहां घूमने फिरने के लिए आते हैं। तीसरे नंबर पर है टोमेटो फेस्टिवल। दोस्तों, दुनिया में आपने कई अजीबोगरीब त्यौहार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन स्पेन में एक ऐसा त्यौहार होता है जिसे लोग बिल्कुल होली की तरह खेलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ होली खेलने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये त्यौहार बेहद ही अनोखा है। इस त्यौहार की शुरुआत 1945 में हुई थी, जिसे हर साल अगस्त महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार 1 घंटे तक चलता है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक में कई टन टमाटर मंगवाए जाते हैं, और स्पेन के लोग बड़े ही आनंद के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। चौथे नंबर पर है कार्डबोर्ड आर्मर। पुराने समय में हम सभी ने बड़े बड़े हथियारों और औजारों की लड़ाई के बारे में तो सुना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग कार्डबोर्ड से कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम बनाते हैं जो पुराने समय में सैनिक अपनी रक्षा के लिए पहनते थे। ये लड़ाई देखने में पुराने समय की लड़ाई की तरह लगता है, लेकिन इसके लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेल के लिए बहुत ही सीमित नियम है। यूरोप के कई लोग इस लड़ाई को सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। इसमें हारने और जीतने जैसा कोई रूल नहीं होता। ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब त्योहारों में से एक है। वैसे दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट त्यौहार कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पर है फोम फाइट फेस्टिवल। ये अनोखा त्यौहार हर साल सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के द्वारा मनाया जाता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट इस फोम फाइट फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोम फेंकते हैं। इस फेस्टिवल को अक्टूबर मंथ के पहले मंडे को मनाया जाता है। इसे मनाने के लिए सभी फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट एक ग्राउंड में से एक साथ इकट्ठा होते हैं और पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। इस फेस्टिवल को दोस्तों का जश्न मनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही मजेदार खेल है, जिसमें सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।